राज्य भर के मौसम में पछुआ का प्रबल प्रवाह घटने और पूर्वा के प्रभावी होने से रविवार को तेजी से बदलाव आया है। पटना समेत राज्य के कई जिलों में कुछ देर के लिए झमाझम बारिश देखी गई, जिसमें गर्मी से आंशिक राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रचंड ताप के बीच पूर्वाई के प्रभाव से राज्य भर के वातावरण में नमी का संचार हो रहा है, इससे गरज तरक वाले बादल बनने लगे हैं। मौसम विभाग ने सोमवार को 27 जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही किशनगंज में सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किन जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, सिवहल, समस्तीपुर, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में दो जगहों पर बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने सोमवार को इन जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें, रविवार को पटना समेत कई जिलों में आसमान से राहत की बूंदें बरसी। हालांकि बारिश की मात्रा कम होने से अभी उमस और गर्मी की स्थिति बनी हुई है। पटना समेत प्रदेश भर में बादलों की आवाजाही का सिलसिला बढ़ने से बारिश की उम्मीद बढ़ी है। सोमवार को राज्य भर में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट के आसार हैं। बारिश की गतिविधियां भी सोमवार और मंगलवार से कई जिलों में बढ़ जाएगी। बता दें, बारिश की गतिविधियां अगले 4 दिनों में प्रदेश भर के क्रमिक रूप से बढ़ेगी। 20 जून से गया, पटना समेत अन्य शहरों में धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। राज्य के 11 शहरों में रविवार को भीषण उष्ण लहर की स्थिति रही। पटना समेत 5 जिलों में उष्ण लहर की स्थिति रही, जिनमें गया, रोहतास में 44 डिग्री सेल्सियस, मोतिहारी में 41.4 डिग्री, ऐसे ही बांका, शेखपुरा, नालंदा, सिवान, पटना, भागलपुर, वैशाली, खगड़िया, इन सही जगहों पर 40 से 44 डिग्री तापमान देखने को मिला। वहीं अब मौसम में पहले से थोड़ा सुधार होने के बाद तापमान में थोड़ा सा गिरावट देखा जा सकता है। बादल छाए रहने की वजह से अब लोगों को राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।